बताएंगे कि किस राशि के जातक को यानी कि धनु राशि के जातक को पूरे मार्च के महीने फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, यानी कि हर कदम पर धनु राशि के जातकों को बरतनी चाहिए खास सावधानी, क्योंकि आज आपको अपने इस खास रिपोर्ट में मैं बताना चाहूंगी कि धनु राशि की कुंडली में मैं कुछ ऐसे योग देख पा रही हूँ, कुछ ऐसे संयोग देख पा रही हूँ। ग्रह नक्षत्रों को अगर ध्यान से मैं बारीकी से पढूं तो मैं यही पाऊंगी कि धनु राशि के जातकों का इस समय थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत उन सभी को है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के साफ तौर पर मैं संकेत देख पा रही हूँ, यानी कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको बेहद ही ज्यादा सावधानी से वाहन चलाने की जरूरत है। मार्च के महीने में आपके साथ कोई दुर्घटना जरूर हो सकती है, इससे बचने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि मार्च के पूरे महीने आप सुबह उठकर स्नान कर भगवान शिव को जलाभिषेक जरूर करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जाप करें और जब भी आपको समय मिले तो आप ओम नमः शिवाय कहकर ही अपने घर से निकलें, और अगर आप वाहन चला रहे हैं तो अपने मन में या जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें, क्योंकि इस महीने आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, अपने आप को लेकर। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से इंदु की रिपोर्ट।